जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित कोसमी डैम के पास संचालित एक पोल्ट्री फार्म की अज्ञात कारणों से कई मुर्गियों भर जाने से हड़कंप मच गया है। पोल्ट्री फार्म संचालक ने मृत मुर्गियों को खुले में ही एक दिया था। मुर्गियों की बदबू परेशान ग्रामीणों ने इसकी सूचना शनिवार दोपहर को पुलिस को दी। जानकारी लगते ही जनपद पंचायत सीईओ मत्स्य विभाग के अधिकारी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कई मृत मुर्गियां डैम में पानी में पाई गई। मृत मुर्गियों को खाने से डैम में कई मछलियां और सांप भी मर गए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी राजेंद्र ध्रुवे ने बताया कि मृत मुर्गियों को गड्ढा खोदकर दफन किया जाएगा। मृत मुर्गियों को लापरवाही से खुले में फेंकने और लापरवाही बरतने वाले पोल्ट्री फार्म संचालक पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गांव के सरपंच और कोटवार को बुलाया है। ग्राम कोसमी के मुर्गी फार्म से मरी मुर्गी डैम में और लापरवाही पूर्वक फेंकने पर संचालक रमेश पिता मुरलीधर सिन्हा निवासी कोसमी, कर्मचारी राकेश पिता फागूलाल विश्वकर्मा निवासी सेमलपुरा, कमलेश विश्वकर्मा के विरुद्ध 188-269 आईपीसी के मामले में दर्ज की गई है। रिपोर्ट बैतूल से नितिन अग्रवाल की रिपोर्ट में। ये किसी ने बोरी के अंदर मुर्गियां भर के फेंकी हुई है, देखिए आपको अच्छे से दिखा रहे हैं हम। इसमें इल्लियां लग गई है और ये यहाँ पे मछलियाँ जो भी है सब मर रही है। ये देखिए मछली यहाँ पे मरी पड़ी हुई है डैम के अंदर में, ये इधर तक के पड़ी हुई है और बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ है डैम के अंदर, काफ़ी मछलियाँ हैं। इसी के अलावा कई जानवर भी ऐसे हैं जो कि इस डैम का पानी पीते हैं, जिससे उन्हें भी नुकसान है। लेकिन इस बारे में ना ढीमर लोग कोई जानकारी दे पा रहे हैं ना कोई और दे पा रहा है। तो क्या है, गांव के लोगों ने बताया है, उसके बाद में हमने यहां आके देखा है, उससे हमें पता चला है कि काफ़ी कुछ मछलियाँ ऐसी है जो कि डैम के आजू बाजू पड़ी हुई है डैम में, वो भी मरी हुई है। और इसकी जानकारी किसी ने अभी तक दी नहीं थी, वो तो आज गाँव वालों ने दी थी, तो देखने आए थे हम। तो इस प्रकार कोसमी डैम में जलीय जंतु मर रहे हैं।